कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ गुरु चेलों के बीच हास्य की प्रतिस्पर्धा अवश्य होगी, लेकिन उससे पहले हम नमन करेंगे हमारे महागुरुओं को। हास्य की गुरु माता अर्चना पूरन सिंह, हंसी कपाट पढ़ाने वाले गुरुदेव श्री रोहित शेट्टी। आज है हमारा गुरु चेला स्पेशल। हर जोड़ी में एक होगा गुरु, एक चेला। आज से यहाँ हर जोड़ी है चैंपियन, यानी अब जंग है चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस की। और आज से स्कोर देने की पावर आ गई है जजेस के पास। आज इन छह में से कोई एक चैंपियन होने वाला है एलिमिनेट। हर जोड़ी को लगाना है पूरा दम पास होने के लिए। तो शुरू करें हंसी की पाठशाला। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। कृष्णा भी ऐसे ही प्यार की शिक्षा लेने आ पहुंचे हैं गुरु घंटाल के पास। प्लीज वेलकम सुदेश इज गुरु घंटाल एंड कृष्णा इज वेरियस आर्टिस्ट। बात पता क्या है कि आजकल बड़े काम करने पड़ते हैं, एक गुरु बन के गुजारा नहीं होता। क्यों शेट्टी साहब, आप तो खुद जानते हो। देखो आपका काम है यहाँ पे जजमेंट करना, एक काम में गुजारा होता नहीं। आप पैसे के लिए फिल्में भी बना रहे हो, ठीक ही नहीं। तू क्यों हंस रही है, ये एंकर देख लो। अब एंकरिंग करके तो रोटी खा नहीं सकती, सारा दिन बेचारी एंकरिंग करती है और रात को सोती रहती है। थकी हो ना। पता बात क्या है कि मैं भी सारी उम्र कहता रहा मैंने बस इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी दो मेरे जमाई, इज्जत और कोई इज्जत नहीं है, गोली मारो भूखा मर गया मैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि अर्चना की तरह सिर्फ पैसा ही कमाऊंगा, अब हर बंदा मेरे से कुछ भी सीखो आओ। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटा, क्या सीखना चाहते हो? बस आपकी कृपा से लौंडिया पटाना सिखा दीजिए गुरुजी। ओ यार तू तो भक्त आदमी लगता है यार, तू लौंडिया बजाएगा है? मंदिर से आए हो? रोज मंदिर जाता हूँ गुरुजी, वहाँ तरह तरह का माल आता है, कभी कभार तो घंटा बजाते हुए भी हार्ट टच हो जाता है। उन्हीं में से एक को फंसाना है गुरुजी। किस टाइप की लड़की फंसाना चाहता है? आजकल तो इमोशनल अत्याचार का जमाना है, धोखा दूंगा गुरुजी। सबसे पहले ये देख लो कि लड़की का कोई भाई है। गुरुजी अपनी सेटिंग बाद में करना, पहले मेरी कर दो। ओ यार तू तो, और मेरा मतलब है कि उसका कोई भाई बदमाश तो नहीं है, उसका बाप कहीं पुलिस वगैरह में तो नहीं है, ये अच्छी तरह देख लो। ये अगर मुझे ही देखना है तो आप घंटे के गुरु हैं। तो सबसे पहले बता कि लड़की रहती कहाँ है? लोखंडवाला में गुरुजी। हाय लोखंडवाला चक्कर लगाते है तू है? वहाँ वाकई बहुत अच्छा अच्छा माल आता है भाई, मैं वहीं रहता हूँ ना। अच्छा बिल्डिंग कौन सी है? रिजेंसी बिल्डिंग। ओए होए गुप्ता साहब की बेटी होगी फिर, क्या माल है। सच्ची बताऊँ अगर वो मेरी बेटी की सहेली ना होती। नहीं नहीं गुप्ता साहब की बेटी नहीं है, गुप्ता साहब की बेटी की कोई सहेली है, कोई सुदेश लहरी की बेटी है। हेलो कैमरे बंद करो यार। हेलो नहीं नहीं हेलो एक मिनट यार, कोई जरूरी थोड़ी मैं ही ले रही हूँ, और भी बड़े ले रही हैं। ऐसे ही मेरी लड़की को बदनाम कर, जब वो है ही नहीं, आऊँ तो कनाडा गई है किसी लड़के के साथ, भाग गई है वो है? इधर नहीं इधर। हाँ। गुरु मैं हूँ। आज क्या है? क्या आज क्या किया है? नहीं नहीं आज क्या है? कर्ज कौन सा? समझ नहीं रहे हो, मुंह खोलो अब बोल। बस इसके आगे हम अर्ज करेंगे। वापस अर्ज किया है कि हमें बदमाशी सीखनी है, बदमाशी सिखा दो। बहुत अच्छे। अबे शेर नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुझसे। हमें बदमाशी सीखनी, हमें बदमाशी सिखाओ। यार कमाल है, इस उम्र में बदमाशी सीखोगे? अब जवानी नहीं मैं, नहीं तो क्या बुढ़ापे में सीखेंगे? आपको नहीं लगता कि आपकी जवानी थोड़ी लेट हो गई है? और बदमाश क्यों बनना चाहते हो? बदला लेना है। बदला किससे? पड़ोसी से। क्यों? कमबख्त के साथ झगड़ा हो गया। कमबख्त को जहाँ जहाँ मारना था वहाँ तो उसने मारा ही।
ऐसी जगह मार दिया है कि काम खराब हो गया है। काम आ रहा है? हाथ पे मार दिया है, अब हम शेर नहीं लिख पाते ना, देखो काम खराब हो गया। अजय शेर आप लिखते भी हो? हाँ, अब तुम्हें देख के गर्मा गर्म सुझा सुनाते हैं। नहीं नहीं, फिर कभी सुनेंगे नहीं, ठंडा हो जाएगा, सुन लो। हमें बदमाशी सिखाओ और हमें बना दो बदमाशों के आका, वरना तेरे जैसे गुरु की माँ का साकी नाका। क्या बोला तूने? तेरी माँ का साकी नाका, बदमाशी सिखाओ हमें। मुझे क्यों मारे? जिसे तेरी बदमाशी है, जिसे तू बदला लेना, उसे गालियां निकाल, मेरे को गाली क्यों निकाल रहा तू? मिल नहीं रहा ना वो, मिल नहीं रहा कमीना। सुनो, रोज रात को हमारी बीबी को मैसेज किया करता है, आई लव यू, आई मिस यू टुडेस लेडी। कहाँ रहती हो आप? मैं लोखंड वाला रिजेंसी बिल्डिंग। और छोड़ो, क्या बदमाशी में पड़ा है, बड़ी मेहनत है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती लड़ने के लिए। तैयारी किया ना हमने, बस सिखा दो भैया कि कहाँ पेट में घुसाना, खूंचा खूंचा खूंचा, और 15 दिन तक होश ना आए कमीने को। देखा, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं अब आज के बाद आपकी बिल्डिंग की तरफ ध्यान भी नहीं रखेगा। अच्छा? हाँ बेटा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो? मैं ही तो हूँ जो उसको समझा सकता हूँ, मेरा ही शिकर है वो। अच्छा? हाँ। उसका एड्रेस जो हमें एड्रेस ओशीवारा। हाँ। 33 नंबर बिल्डिंग। हाँ। ठीक है। हाँ। ग्राउंड फ्लोर पे वो रहता है। अच्छा? हाँ, जाओ। अरे इसको जाओ। तो नहीं छोड़ेंगे। शेट्टी साहब, मैंने कपिल शर्मा का एड्रेस दे दिया, आपने कहा था ना उससे खतरा है। मैं संगीत भी सिखाता हूँ, आपको पता ही है। जब तानसेन जी गाना गाते थे तो बारिश आती थी, जब मैं गाता हूँ तो खूबसूरत लड़कियाँ आ जाती हैं। गुरु जी मिलेंगे? कौन हो तुम? चमचम। तो फिर कम कम क्यों दिख रही हो? पूरा दिखो ना, घूंघट उठाओ। मैं इज्जतदार लड़की हूँ, घूंघट नहीं उठाऊंगी। वैसे तू करने क्या आई है? मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। अच्छा, हीरोइन बनना चाहती हो? हाँ। तो ऐसे थोड़ी बन जाते, पहले मुंह तो दिखाओ। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बहन ने 16 फिल्में की हैं, एक भी फिल्म में मुंह नहीं दिखाया, सिर्फ शक्ति कपूर का क्लोजअप डालते हैं। तो फिर शक्ति कपूर से ज्यादा सुंदर नहीं ना होगी वो? क्या बकवास कर रहे थी, ऐसा ही होता है सुंदर लड़कियों का पंगा, देखते ही लड़के बेहोश हो जाते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है मुझे अच्छी शक्ल दी है, वरना जिसकी अच्छी शक्ल नहीं होती ना, वो तो अपनी टांगे ही दिखाती है। अर्चना, I like the act very much. I think your both your performances were very, very, very good. It was not a brilliant act, but very enjoyable. So well done. Rohit. एक जो लिखा हुआ act होता है, उसके उससे ऊपर करना, वही एक सच्चा कलाकार होता है, और वही आप दोनों ने किया आज. तो अब चलते हैं scores की तरफ. अर्चना. 9 points. 9 points. नताशा को ड्राइविंग सिखा रहा है। अब ऐसे में रोड पर किसकी खैर? प्लीज गिव अ बिग हैंड टू चैंपियंस कपिल एंड नताशा। ड्राइविंग स्कूल तो यही लगता है। हेलो। हेलो, मैं कपिल जी से बात कर सकती हूँ? मैडम, अगर तो आप सुंदर हैं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। बकवास बंद कीजिए, मैं यहाँ ड्राइविंग सीखने आई हूँ, पर आपके स्कूल में तो कोई भी नहीं है। मैडम, आप जल्दी में हैं? जी। तो फिर एक काम करिए, आप वेट करिए, मैं आता हूँ। मैंने कहा जी क्या हाल है, सोने हो? जो तेरी बहन के हैं। अच्छा, आपका भी पेट खराब है? हाँ। आप बताइए, बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? मुझे ड्राइविंग सीखनी है। सबसे पहले मैडम आप ये बताइए, आपका नाम क्या जी? नताशा। वो दूसरा नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा सा, ये मेरा नाम है, कोई नोट नहीं है कि दूसरा पड़ा होगा। अच्छा चलो ठीक है, नताशा। अब इसकी उम्र पूछूंगा बढ़ जाएगी। मल्लिका की फिल्में एंजॉय कर लेती हो? मतलब अडल्ट हो? एक बात बताओ, मेल हो के फीमेल? तुम पागल हो क्या, दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ तो फीमेल ही हुई ना। ओ मैडम, क्या ना आजकल मार्केट में बड़ा धांधली चल रही है, हलवाइयों की दुकान पे मोबाइल बिक रहे हैं, अब कहने को तो ये भी लड़के हैं। समझ में नहीं आता ना आदमी क्या करे। आप खैर छोड़िए,
आप गाड़ी सिलेक्ट कीजिए मैडम, कौन सी गाड़ी सीखनी, ये वाली गाड़ी है ना जो, ये जो लाल वाली, इसका 2500 रुपए पर मंथ है। ओए पागल बना रहे हो क्या? ओ आप छोड़ो, आपको क्या लेना था, 200 रुपए कम देना डार्लिंग, बैठो तुम एंजॉय करो, गाड़ी सीखो आओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो डार्लिंग। डार्लिंग 200 रुपए कम भी तो गए, इतने तो एंजॉय करना बनता है कि नहीं? खैर मैडम आज से आपका ड्राइविंग सेशन शुरू। तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे? तुम्हारी तो खुद की आंखें खराब है। मैडम आंखें खराब नहीं, एक्चुअली मेरी आंखों का आपस में प्यार बड़ा है, इतना प्यार है दाई आंख सारा दिन बाई को देखती रहती है। खैर हम लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, एक सेकंड मुझे लगता है इंजन डालना भूल गया मैं। इस गाड़ी में इंजन नहीं है? ओ मैडम इंजन विंजन सब कुछ है, एक्चुअली क्या करते हैं इसी इंजन से हम लोग खेतों में पानी देते हैं। एक सेकंड जरा गाड़ी स्टार्ट कर लो मैं। अरे ये कार हिल क्यों रही है? एक सेकंड कोई हिल विल नहीं रही, एक्चुअली मैं टायरों में ट्यूब डालना भूल गया हूं। टायर में ट्यूब भी नहीं है? ओ मैडम सब कुछ है, क्या है एक्चुअली हम लोग विद फैमिली घूमने गए कल, मैं मेरी बीवी बच्चे सब ने अपने अपने गले में ट्यूब डाल के दरिया में स्विमिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही भूल गया, छोड़िए मैडम आप एंजॉय करें डार्लिंग मेरी शोना बेबी। ये गाड़ी स्टार्ट की, आप एंजॉय करो गाड़ी को। नहीं नहीं नहीं, और मेरी बात सुनो एक ध्यान से, जब भी गाड़ी चलानी है सबसे पहले तो गाड़ी तेज नहीं चलानी, वो इसलिए क्योंकि जो गाड़ियां तेज चलती हैं उसको ब्रेक भी लगानी पड़ती है, तो जिनको ब्रेक होती है उसका तो कोई चक्कर नहीं कोई, लेकिन जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उसको रोकना मुश्किल हो जाती है ऐसे अपनी। क्या इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है? अरे ब्रेक का मतलब मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं रोको। बैठ जाओ डार्लिंग शोना बेबी, क्या कर रही हो? रोको मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत, मैं किसी ले लेता हूँ फिर। एक सेकंड ब्रेक नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी गाड़ी रुकती नहीं, ये देखो लो रुक गई गाड़ी, दो नहीं तो 3 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रोकने में, इसमें क्या जाता है, बस चक्कर यही है हर महीने दायां वाला शूज नया लेना पड़ता है। माफ करो मुझे नहीं सीखनी तुम्हारी गाड़ी, मैं जा रही हूँ। नहीं सीखनी गाड़ी तुम्हें? नहीं। गाड़ी रोकूं? हाँ। रोकू रोकू तो ऐसे करी जैसे सच्ची में चल रही, उतर जा बदतमीज लड़की, उतर। You will have to pay for this. ओ जा दबा जा, तेरे जैसे मैं तो वैसे ही कपड़े देके एंजॉय कर रहा था, तेरे को तो मैं साइकिल ना सिखाऊं। ऐसी लड़की हो ना बंदा जेब से तेल डलवा के सिखा देता है, ऐसी औरत को कौन सिखाए बदतमीज। फोन किसका बन गया? हेलो जी कौन? कमिश्नर जी सर। जी कमिश्नर साहब की बीवी गाड़ी सीखने आ रही है, किसी भी वक्त आ सकती है। कोई चक्कर नहीं सर, कमिश्नर साहब की बीवी हमारी बीवी, अपना रिस्पेक्टेड होगी ना हमारे लिए, कमिश्नर साहब की बीवी है, सारे देश की प्रॉपर्टी है जी, कोई चक्कर नहीं है। लगता कमिश्नर साहब की बीवी आ गई। ओ जी गाड़ी आप ही सिखाते हो? मैडम आज तक तो मैं ही सिखाता हूँ, आगे का भगवान मालिक है जी। पैसे कितने लोगे? हाँ जी पैसे आपसे क्या पैसे लेने जी, आप इधर गाड़ी में फंसी आई है आप। बैठिए बैठिए प्लीज, पहले बैठिए आप, कमिश्नर की बीवी है, बैठिए बैठ बैठ जाता हूँ मैडम, कोई बात नहीं आप इंजॉय, आप जूस पीजिए आप थक गई होंगी इतनी दूर से, जूस पीजिए आप। ये मैडम और जे क्या है? ये मैडम गेयर है जी। इससे क्या होता है? इससे वैसे तो गाड़ी चलती है, आप जो चाहेंगे हो जाएगा। और जे? ये मैडम एक्सीलेटर है, इसको पैर से दबाते हैं। ओहो इससे क्या होता है? इससे वैसे तो गाड़ी आगे चलती है पर आप पैर रखेंगे आपका पेडिक्योर कर देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। ये क्या है? ये मैडम स्टीयरिंग है, इससे गाड़ी चलती है, आप चला के देखिए एंजॉय करें जरा। और चल फिर तू इधर आ। इधर क्या आना मैडम, आप इधर क्यों आ रही हैं, आप इधर से चला ले। एलिफेंट एंजॉय करें। ओ वाओ ए ये तो कमाल है। हां जी बहुत कमाल है जी मैडम, इसमें एक्चुअली ब्लूटूथ लगा हुआ है। मैडम आप क्यों कष्ट कर रही हैं, आप थक गए, मैं चलाता हूँ स्टीयरिंग, आप पिए, मैं सिखाता हूँ ऐसे। भूख भी लगी है। वैसे आप तो आ गई, आने की जरूरत नहीं, हम तो सिखा के घर भेज देते ड्राइविंग। ओसमाल रेड लाइट। ओ कोई नहीं मैडम, ये गरीब लोगों के लिए, आप मारो बंदे। ये तो कोई बात नहीं मैडम, इंजॉय करो। हाँ कोई सी बात की घुराड़ नहीं। एक सेकंड मैडम फोन आया, गाड़ी रोको जरा। जी क्या क्या, मैंने सर कमिश्नर साहब की बीवी के साथ बदतमीजी की? सर क्या बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब की बीवी तो इधर बैठे हुई है। क्या जो पहले आई थी वो थी? सर मेरी बात सुने, ये गलती हो गई, देखिए सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी भेजता हूँ, चाहे तो उसको छेड़ लीजिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सर मेरी
आप कमिश्नर की बीवी नहीं है? नहीं। हैं? हैं? सर मेरी बात सुने एक सेकंड। इतना गुस्सा है मेरी आंखें सीधी हो गई। तो तुम कमिश्नर की बीवी नहीं हो हैं? मेरा तो पति ही नहीं है। एक तो पति नहीं ऊपर से कमिश्नर भी नहीं है। बारा 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 मैं कान गड़ी जा मरूं। मैं भी सोचूं कमिश्नर ने ऐसा कौन सा क्राइम किया जो टाटा सुमो पाल रखी है। मोटी कहेंगी तेरी गर्दन काट दूं ना तेरा तंदूर बन जाए 150 नान एक टाइम पे पका सकती हूं। चुप कर। ऐसी औरत को पालना कोई आसान काम नहीं है। एक दिन में 1200 रुपए की तो इनो पी जाती है। चली जा यहां से थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। बाहर जा तू। अभी बताती हूं तुझे। निरप पापा बात करो जरा। ये ले पापा से बात कर। तेरा बाप कमिश्नर है। चल जा। मैंने कहा सीएम है। बात कर। क्या है तुम्हारे पापा? चीफ मिनिस्टर। रुको पापा। नंबर दो जल्दी जल्दी वरना पापा का फोन दे दूंगी। रोहित कपिल यू आर फैबुलस। थैंक यू सर। स्पेशली फॉर द राइटर्स बहुत कमाल का एक्ट है। थैंक यू सर। जो लिखा है और जिस तरह से आप दोनों ने निभाया it was fabulous. बहुत अच्छी राइटिंग। Archana, before I say anything, I would like to wow! First standing ovation of Comedy Circus Ke Super Stars! This standing ovation is for two things. First and foremost is you, Kapil. You were absolutely out of this world. Outstanding se bhi zyada. The second is Natasha, your jo ye wala character aapne kiya hai. बहुत बढ़िया किया। फैंटास्टिक। स्कोर्स की बारी। अर्चना 10 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रोहित 9 पॉइंट्स। थैंक्स। तो कपिल और नताशा को मिलते हैं 19 पॉइंट्स इन टोटल। शकील ही पूरी दुनिया की बैंड बजा देते थे और अब तो उनके गुरु उमर शरीफ भी आ गए हैं। अब इन दोनों के बीच में देखें कौन कौन पिसता है। प्लीज वेलकम द चैंपियंस राजीव एज उमर शरीफ एंड सलोनी एज शकील। आजा गुरु चिल्ला रहा हूं और सच बता रहा हूं यहां अपने कंटेस्टेंट देख लो सबके अपने अपने गुरु हैं पर्सनल। अली का गुरु शक्ति कपूर क्योंकि फिल्मों में उनका सीन और इनका एक्ट फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते। और ये देखो चुनरी लेके बैठे हैं स्वप्निल जी। ऐसे लोगों के गुरु नहीं होते आका होते हैं दुबई वाले। पर मैं चाहे जितना भी हूँ यहाँ पर अपनी बदौलत हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है क्योंकि वो तेरा टारगेट है और वो हूँ मैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शकील भाई आप मेरा वहम है वो कहां से आएंगे? अल्लाह माफ करे बेड़ा गर्क हो तेरा मनुष्य मारे। एक तो तुझे वहम बहुत होते है तू कॉमेडियन है ये भी तेरा वहम है। मैं हूँ असली कॉमेडियन। चल मुझे गुरु मान। क्यों आपने मुझे इंजन खोलना सिखाया? जिस आदमी को दूसरों की डायरी खोलना आ जाए उसे इंजन खोलने की क्या जरूरत है। शकील भाई हम आपस में ना ही उलझे तो बेहतर है। क्यों हमने एक नाड़े के कच्चे पहने हुए क्या? इसे कहते हैं पंच। मानता है मुझे गुरु इसलिए लोग शो के बाद मेरे हाथ चूमते हैं। वो इसलिए शकील भाई कि जब आप शो करते हो ना तो आप पंच से ज्यादा लड़की को हाथ लगाते हो। जिनकी हसरतें वहां पूरी नहीं होती आपके हाथ चूम के पूरी कर लेते हैं। अच्छा चल ये बता तू पहले पैदा हुआ किधर? अब्बा हमारे यहाँ तो अब्बा ही आता है। फिर दुनिया में एक बेगैरत आ गया था तो दूसरे की क्या जरूरत थी? अच्छा हमारा अब्बा बेगैरत और आपका अब्बा पे चादरें चढ़ती हैं? आज फैसला होके ही रहेगा। अरे कहाँ जा रहा है रुक। मैं बताऊंगा आपको। देखा मान लिया मैं गुरु। चलो तक तक मैं सरवीन से बातें कर लूँ। शादी कर लो मुझसे।
अच्छा मैं चेक कर लूं असली है क्या नहीं। नहीं तो ये लोग ऐसे ही बात करते हैं इसके बाद। असली है अर्चना, आप भी एक बार चेक कर लो। बेटा घर को तुम्हारा मनुज मारो। अर्चना जरा बाहर जाना, पड़ोस वालों की महिला छेड़ दी मैंने, वो मर्द बाहर इकट्ठे हुए हैं, कहते हैं आपने हमारी औरत छेड़ी, अपनी औरत बाहर निकालो हम भी छेड़ेंगे। पर आप रहने ही दो, मैं ही पिटूंगा, क्योंकि आप बाहर जाओगे उन्होंने कहना हमने औरत मांगी थी, आपने अर्चना भेज दी। मर भाई, हाँ। नहीं लगता है मेरा वहम होगा। एक तो तेरे को वहम बड़े होते हैं, तू खुद पंच बनाता है, ये भी तेरा वहम है। देखो उमर भाई आप पर्सनल हो रहे हो। मैं पर्सनल नहीं होता, मैं तो सरकारी होता हूँ, जिसके घर में घुसता हूँ पेंशन लेके बाहर निकलता हूँ। ये होता है पंच बेटा। अच्छा तो मैं भी खड़े खड़े पंच मार सकता हूँ। मतलब गुरु से कंपटीशन? हाँ। तो ठीक है सॉफ्ट टारगेट पकड़। सॉफ्ट टारगेट? भारती। अल्लाह माफ करे, भारती को देख लो, चिकन तंदूरी देख कर इसके मुँह में इतना पानी आ जाता है, परेशान अंदर डुबकी मार के आ जाता है। ये और कुछ नहीं दिखता उसमें, उसका इतना बड़ा मुंह देख, उस पे नाक देख, ऐसे लगता है 10 दिन का आटा गूंथ के किसी ने सिर्फ उंगलियां ही मारी हैं बीच में। अब बोल। तो फिर वो इनका देख लो, हॉस्पिटल में ऐसी नर्सें होती है जो क्या था बेटा, जिसका था उसको बोलने दे। ऐसी नर्सें होती हैं जो बदलने मरीज के बेड की चादर जाती हैं, बदल मरीज की धोती देती हैं। अब बोल। वीआईपी को देख लो कि अरे मेरी डायरी किधर गई। ये तो नहीं थी। उमर भाई माफ कर दो उमर भाई। गुरु मानते हैं? हाँ। राजीव को तंग करेगा? नहीं। तो मैं ही राजीव हूँ। उमर भाई बन के आया था ताकि सबको बता सकूं मैं पंच बना लेता हूँ। तो मैं भी सलोनी हूँ। जब यहाँ पर असली शकील जी आ चुके हैं तो तू क्यों बन के आई? गुरु चला राउंड था, कुछ तो करना ही था, और अर्चना जी इससे बेटर गुरु और चेला कभी नहीं हो सकता। हैं? थैंक यू। अर्चना, आई थिंक द एक्ट इज वेरी नाइस एंड सलोनी यू आर वेरी 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 क्यूट है शकील एंड राजीव यू वर ऑन फायर। थैंक यू। रोहित, एक्ट वाज डीसेंट, पंचेस जिस तरह से आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे, मतलब शकील का काउंटर अगर उमर शरीफ दे रहे हैं तो उसका लेवल कुछ और होना चाहिए, अदरवाइज इट वाज अ डीसेंट एक्ट। थैंक यू। तो अर्चना अब बारी है स्कोर्स की। 8 marks। रोहित आपकी बारी। 7 points। दुनिया का कोई भी गुरु चेले को ज्ञान दे सकता है, अक्ल दे सकता है, तहजीब दे सकता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि बेइज्जती की ट्यूशन दे सकता है, द वन एंड ओनली शाना शकील। बिग हैंड फॉर हिम प्लीज। हाय। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हूं डांस गुरु, आई मीन डांस गुरु। मैं यहाँ पे आया हूँ डांस सिखाने के लिए। मेरा चेला कहाँ है? उससे ना मैंने सिर्फ फ़ोन पे बात की थी, मैंने उसको अभी तक देखा भी नहीं है। बस डांस सीख जाऊँ फिर 6-6 घंटे नाचूँगा चाहे टांगे निकल जाए मेरी। हेलो एवरीबॉडी। हाय डार्लिंग। उधर हो जाओ कच्चे सड़क के पैसेंजर, उधर हो। लगता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्यों, तू लाश है? अभी नहर से निकला, तुझे क्यों पहचानूं, कौन है तू? मैं तो बता देता हूँ मैं करूँ, लेकिन पहले बताओ तुम कौन हो? क्या मैं तेरी जैसी चीज़ खोल के फिट करता हूँ? अंडर कंस्ट्रक्शन औरत। कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? आई मीन आई एम डांस गुरु। मैं हूँ चेला। ओह या, मैंने डांस सीखना है। आप मुझे सिखाएंगे? हाँ मैं तो डांस सिखा दूंगा, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप डांस सीखना क्यों चाहते हैं? ताकि मैं अपना जाती कोठा खोल लूँ। सुरेंद्र बजाओ ना तबला। हेलो, मुझे कोई नया काम ना सिखा, डांस सिखा। कल को तेरी आदत पड़ गई, कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुझे। तेरे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा खासा मैं बस पे चढ़ा, अंधेरी जाके उतर गई। तेरे जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो माँ बाप कंफ्यूज होते हैं, लड्डू बांटे जलेबी बांटे,
तेरे बाप को तो ना बाकायदा कोड़े पड़ने चाहिए। क्यों? टाइम भी पूरा लिया, क्या किया उसने? आपने भी बहुत इंसल्ट कर दी सबके सामने। उनके इलाके का काउंसलर है, तेरी इंसल्ट हो गई। चल डांस सिखा। चलो ठीक है यहाँ से रखा, यहाँ से उठाया 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 यहाँ रख दिया। डांस सीखा ना सीखो, गंदे काम सीख के जाऊंगा तुझसे मैं। हो गया। अब यहाँ से दोबारा हम शिफ्ट करेंगे लेग अपनी। ओके। यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पे रख दिया। अपनी दुकान वहाँ लगाओ। चलो तुम डांस सीख लोगे ना मेरे से, तुम कोई भी शो में जा सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिशन में जा सकते हो। बुगी उगी में जाना है। ओके ओके ओके। तो चलो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है सबसे। अपने ताल्लुकात मुझे ले जाओगे? हाँ। मैं नहीं जा रहा। क्यों? वो पता समझेगा मेरे क्या ताल्लुकात है तेरे से। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैं नहीं सीख रहा। प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। चलो रंबा सांबा हा हा। मैं बिजली का खंबा कर लूंगा, मैं रंबा सांबा नहीं सीख रहा। प्लीज प्लीज ऐसे मत जाइए। चलो दफा हो जा यहाँ से। चल तू निकल यहाँ से। अरे गिद्दा कुछ। आईपी से एक्टिंग सीखने आए हैं चेले सूरज, लेकिन बस यही अपराध ये हर बार करता है। आदमी है, आदमी से प्यार करता है। प्लीज वेलकम वीआईपी एज एक्टिंग गुरु एंड सूरज एज गे चेला। रोहित जी, अर्चना जी, आज के बाद मैं मिमिक्री नहीं करूंगा, इसलिए आज तो करूंगा। इस शो का क्या भरोसा बाबा, 30-40 साल के बाद बंद हो जाए। इसलिए मैंने अपने खुद की एक्टिंग स्कूल खोल लिए। इस स्कूल में लगभग सारे एक्टर स्टूडेंट को एक्टिंग सिखाते हैं। एक्टर तो मेरे पास है, बस कोई स्टूडेंट आ जाए। मैंने सुना है यहाँ पे कोई एक्टिंग गुरु जिन्हें किसी स्टूडेंट की तलाश है। बिल्कुल सही सुना है तूने। ये बता तू एक्टिंग क्यों सीखना चाहता मेरे भाई? सर बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक फिल्म में हीरो लॉन्च हूँ। अरे मैंने तो फिल्म का नाम भी सोच रखा है, गे वफा सनम। सर हीरो बनने के लिए जो गुण चाहिए ना, उसके लिए मैं पूरी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। सलमान जैसी बॉडी बनाने के लिए मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पास में है ना अर्चना हेल्थ क्लब, ऊपर डांस भी सिखाते हैं। किसके ऊपर डांस सीख रहा है तू? नहीं मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे बाबा। फिर तो तेरे टीचर को डर लगता होगा, कब तू उसके साथ गलत स्टेप ना उठा ले। नहीं नहीं हमारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं। कल तो उन्होंने क्या किया, डांस भी सिखाया। हाँ और मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इतना सब कुछ सीख रहा हूँ तो क्यों ना लगे हाथ में एक्टिंग भी सीख लूं, शायद किसी फिल्म में काम आ जाए। आप सिखाएंगे ना सर? एक्टिंग तो मैं सिखा दूंगा। ये देख, ये है एल्बम, इसमें सारे एक्टरों के फोटो है, एक एक करके मैं उठाऊंगा, जिस एक्टर की फोटो आएगी उसकी तुझे एक्टिंग सिखाऊंगा। ओके। हे भगवान, पहली फोटो कहीं हरमन की ना हो, मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे अरे ये वही है, ये वही ना जिसको जिनको सनी ने अपना पापा रखा हुआ है। अबे ये कोई स्कूटर जो रखा हुआ है? अबे ये सनी के पापा ही है। अपने जमाने में हैंडसम हीरो थे ये। और इनका बेटा अपने जमाने का हैंडपंप हीरो है। हैंडपंप छोड़ और उंगली कर, ऐसे उंगली कर और डायलॉग बोल। ओके कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओके डॉगी मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ शैलियू मैं अगला खुलता हूँ। ओके ओके हे वानन हिलता बहुत है। हाँ ये हिलते ही हैं या फिर एक्टिंग भी करते हैं? एक्टिंग की बात मत कर तू। सॉरी एक अकेला एक्टर है जो एक ही सेट पे दो दो फिल्में करता रहता है। वो कैसे कैसे करता है सर? ऐसे माँ माँ तुम कहा हो राम जादे क्यों, माँ मधु कहा है राम खोर क्यों। अब डायलॉग बोल। बोली बोली। नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दू, वो मैं वो परवाना जो पत्थर को मोम कर दू। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अबे प्यार भर रहा है या साइकिल में हवा भर रहा है तू? ऐसा करेगा तो सब लोग अपनी साइकिल लाएंगे, हवा भरवाएंगे, निकल लेंगे और तेरा पंप भी ले जाएंगे।
क्या करता है यार ये बंदा? बंदा है क्या बंदा पता नहीं? हैं? कृष्णा चेक करें। ये तो बहुत ही नेचुरल एक्टर है, जो कुछ भी करता है ना बहुत नेचुरली करता है। तू निकल ले, तूने मेरे दिमाग के चार टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा फेंक के मारूंगा याददाश्त चली जाएगी, निकल ले। तो हीरो बनना है सर, कैसे? हीरो बन सकता नहीं है तू, तो हीरोइन बना दो सर, हीरोइन की तकलीफ दे दो। एक शर्त पे। क्या? मैं तुझे खाली एक ही हीरोइन की एक्टिंग सिखाऊंगा। हाँ। जिसके अंदर सारी हीरोइन के गुण होंगे। ओके ओके सर। ओके। कौन है वो लकी हीरोइन जिसकी एक्टिंग मैं सीखूंगा? वो लकी हीरोइन है राखी। राखी सर, इसकी एक्टिंग आती है मुझे। ओ कहाँ है मीडियाज, कहाँ है मीडियाज, ओ जीजस, ओ जीजस, यहाँ की किस मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए रखी थी। राखी सावंत नहीं, मैं बात कर रहा हूँ राखी गुलजार। ओ ये न्याय नहीं अन्याय है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वाओ सर, करण अर्जुन यानी कि शाहरुख और सलमान ना? करेक्ट। ओके, शाहरुख का तो पता था लेकिन सलमान भी आएंगे। अब मैं समझा वो क्यों कहते थे आओ हमारे साथ खेलो दस का दम। सर सर मुझे भी इनके साथ दस का दम खेलना है, आपकी तो बहुत पहुंच होगी। सर मिलाई ना सलमान से। सर सर सलमान से मिला। दूर हट। क्यों? इससे पहले हम सब लोग के साथ दस कदम खेले, दस दस नंबर दे दो। अर्चना तो आप इन्हें एक्टिंग सिखाएंगी? मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है इन दो बदमाशों को। यू बोथ हैव डन सो ब्रिलियंटली, ब्यूटिफुली। पिछली बार आप चैलेंजर्स में थे एंड इन द लास्ट एपिसोड यू वन एंड यू केम इनटू द चैंपियंस। Champions, अब ये खुली जंग है। I think this is a jodi to really watch out for. I think the act was well written also, but more than well written, I think it was beautifully performed. Rohit, act बहुत ही smart लिखा गया, क्योंकि VIP का जो photo है उसको ध्यान में रखते हुए, you are fabulous. The judges, score के लिए तैयार? अर्चना ने इन्हें दिए हैं 10 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स। थैंक यू। सूरज और वीआईपी को मिलते हैं 19 पॉइंट्स। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम लेडीज एंड जेंटलमैन। शाहरुख को अपनी मोहल्ला हॉकी टीम के लिए तलाश है फटाका खिलाड़ियों की। देखें उन्हें फटाका मिलता है या फटके। प्लीज वेलकम परेश एज शाहरुख एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। और ये बॉल अशफाक खान के पास और अशफाक खान एकदम गोल पोस्ट के पास और ये अरे ये बॉल कहाँ गया? और बॉल दूसरी टीम वाले छीन कर ले गए। अरे ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो खुला चीटिंग है। मैं बॉल अपने घर से लाया था। मिस्टर अशफाक कोच, तुम्हें टीम से बाहर किया जाता है। सॉरी सर। 70 मिनट पास मांगने में लगा देते हो, इतनी देर में सामने वाला खिलाड़ी गोल कर देता है। गेट आउट। अरे सुनो, ठीक है कोई बात नहीं कोच जी, आपने मुझे निकाल दिया, अब मैं कोच बनकर दिखाऊंगा। 12 लड़कियां तैयार करूंगा, 11 हॉकी के लिए और एक अपने लिए। सुरविन तू आना, क्योंकि 12वीं खिलाड़ी तू ही है। ए, अरे। गुरुजी मुझे हॉकी सिखा दीजिए। अरे ऐसे कैसे हॉकी सिखा दूंगा, और ये क्या है, चलो उठाओ। अच्छा। अरे मुझे नहीं, घूंघट उठाओ। अरे इससे तो घूंघट ही अच्छा था। प्लीज मुझे हॉकी सिखा दो सर। सर मेरे बड़े फायदे हैं, मैं एक गोल करूंगी और तीन तीन गोल होंगे। अरे मोटी ये खेल इतना आसान नहीं है। अरे सर
हम सीरियल वाले ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि दिमाग का दही कर देते हैं। पहले वाला जो मेरा पति था ना, उसने पर डे पैसा ज्यादा बढ़ा दिया तो मैम ने उसे मार दिया। बाद में मुझे देवर ने रख लिया। जब उसने मुझे तलाक दिया तो मैं भतीजे के साथ सेट हो गई। जब मुझे भतीजे ने छोड़ा ना तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई, 4-5 मैंने रख लिए। ओके, यू आर सिलेक्टेड। ओके फाइन, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाटएवर यार, मेरी एक प्रॉब्लम है कि 1 से 17 तक की सारी डेट्स मेरी ब्लॉक है, समझे? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। अब क्या? मुझे अलग से वैनिटी चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। और हाँ, बाद में मत कहना भड़क जाती हूँ। और हाँ भाई, भाग यहाँ से। देखा, डर के भाग गई। ए छोटू, तेरे डर से नहीं भागी, वो तो आज करवा चौथ है, पति से पहले घर पहुंचना है। अरे लेकिन अर्चना तो यही है। अरे हाँ अर्चना जी, आप तो करवा चौथ यही मनाएंगी ना? परमित बार बार आता ना यहाँ पे। तितली चंपा बार से। अरे ये बार नहीं है, यहाँ खेलना पड़ता है। सर मैं भी बहुत खेली दिलों से मालूम। यहाँ पसीना बहाना पड़ता है। मैं भी उधर बहुत पसीना बहाती, कितना नाचना पड़ता है मेरे को मालूम। अरे खिलाड़ी लोग बॉल ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। तो क्या सेठ, उधर बेवड़े लोग भी ऐसे ऐसे होते रहते हैं। मजाल है, मैंने किसी को निकलने दिया मालूम। ओके यू आर सिलेक्टेड। लेकिन सुन, प्रैक्टिस सुबह 4 बजे शुरू होगी। इसमें लोचा है। क्यों? मैं तो 4 बजे घर आती। तो एक काम करना, अभी शुरू कर ले। ये ले, पकड़ हॉकी, खेल के दिखा। क्यों? मेरे को हॉकी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं तो अखियों से खेलती। तेरी आंखें फोड़ दूं उसके पहले निकल तू। अरे सेठ मैं मसाज भी देती। अरे चल निकल। अरे सेठ मेरे को रख ले टीम पे। चल निकल। अरे चल निकल। अब लड़कियां कहां से लाऊं यार? सुरविन, कैन यू हेल्प? कौन है तुम्हें? शाहरुख, शाहरुख। तू कौन है? सर मैं भारती, पंजाब से। स्टेट्स के नाम ना मुझे सुनाई देते हैं ना, दिखाई। सर मैं भारती, गली नंबर 5। गुड। तुम्हारा शौक क्या है? खाना खाना। तो तुम हॉकी मत खेलो, भूखे मरोगी। आपकी सेहत देख के लग ही रहा है सर। हाँ? अगर आपको भी भरपेट खाना खाना है ना। हाँ? तो मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में चलो। नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत बेइज्जती होती है। क्या बात करते हैं सर, उधर बेइज्जती के पैसे मिलते हैं। हाँ? इधर में तो मुफ्त में हो रही है। ये भी सही है। तो एक काम करता हूँ, तेरे साथ कॉमेडी सर्कस चल। चलो सर। सर चल। ये क्या, इन 2 बैगों में क्या है? अरे ये बॉलीवुड के हर स्टार के पास ये 2 बैग होती है। अच्छा, छोटे में टैलेंट होता है और बड़े में ईगो। चलो। एक मिनट सर, मैं जहाँ आपको लेके जा रही हूँ ना। हाँ? वहाँ हमारे सब खिलाड़ियों के पास एक बड़े वाला बैग है बस। इतना बड़ा ईगो है सबका? अरे नहीं सर, बड़ा बैग भर के टैलेंट। ये है सर कॉमेडी सर्कस, और वो देखिए हमारे टैलेंटेड, इनसे भी बड़े बैग वाले जजेस। देखते हैं कितने टैलेंट वाले कमेंट्स देते हैं। अर्चना, परेश, आई थिंक यू वर वेरी 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 गुड इन दिस एक्ट, बट दिस एक्ट बिलोंग्स टू भारती। देयर वर पार्ट्स ऑफ द एक्ट व्हिच वर नॉट वेरी 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 गुड, लेकिन ऑन द होल आई लव द एक्ट एक्चुअली, फैंटास्टिक। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा जो कैलिबर है आप लोगों का, जिस तरह से आप लोग परफॉर्म करते आए हैं, उस लेवल का ये एक्ट नहीं था, उस लेवल का परफॉर्मेंस भी नहीं था, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। स्कोर्स की बारी। मेरे स्कोर्स से मालूम पड़ेगा कि वेदर आई अग्री और डिसएग्री विद रोहित। 9 points, 7 points,
पुराने जमाने की उमराव जान रेखा टकरा गई हैं आज की उमराव जान ऐश्वर्या से. प्लीज वेलकम द चैंपियंस अली एज रेखा एंड स्वप्निल एज ऐश्वर्या. चलिए इस बार जान ही ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. सच कह रही हूँ, दूसरी बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वन टेक तवाइफ जो हूँ. आ गई सीएनजी तवाइफ. सीएनजी कितना चलेगी तू? क्यों, आप पेट्रोल पे चलती हैं क्या? बदतमीज, कौन है तू? आई एम जान, उमराव जान. जेम्स बॉन्ड के यहां से आ रही है क्या? आई एम जान उमराव जान. अरे उमराव जान की अपनी एक अदा है, तहजीब है, तलफुज है. धड़ तवाइफ का और मुंह जावेद साहब का. बड़ी आई तलफ 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 फुस. या मेक इट टू या बदतमीज. ये बता क्यों मिलने आई है मुझसे? टिप्स लेने आई हूं, क्योंकि उमराव जान का ये वर्जन तो पुराना हो गया. मार्केट में उमराव जान के एक नए वर्जन की तलाश है. तवाइफों में वर्जन नहीं होते. कवर करने के लिए कोई लाइन नहीं बोलोगी? तू होगी अपने एरिया की मिस यूनिवर्स, लेकिन लोग आज भी मुझ पर मरते हैं. लेकिन आप किस पर मरते हैं? नाम ले लूंगी तो एक छोटा पड़ जाएगा. क्यों, नाम लंबा है क्या? नहीं, आदमी लंबा है. अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? हाय, मेरा मतलब है why? Why, आंटी, why? आंटी? तू मुझे आंटी कह रही है? अरे आज भी कौले से कौले हीरो मेरे साथ कमबैक कर सकते हैं. इनके गो बैक का टाइम आया है, लेकिन बातें अभी भी कमबैक की कर रही हैं. यू विल गो बैक, यू विल गो बैक. बड़ी आई थी उमराव जान बनने वाली है, 3 बजे लगी और 3:30 बजे उतर भी गई. पत्ता साफ हो गया तुम्हारा? पत्ता क्या, फिल्म बनाने वाला दत्ता भी साफ हो गया. अरे मेरी फिल्म देखकर लोग इतने पागल हो गए कि अपनी कोटियां को तोड़कर कोटे बनाने लग गए. और मेरी फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर की अपनी कोठी बिक गई. मेरी फिल्म देखने के बाद जवान मर्द अपना काम धंधा छोड़कर कोटे पे आकर तबला बजाने लगे. और मेरी फिल्म देखने के बाद जो कोठे पे तबला बजाते थे वो कॉमेडी शो में आके तबला बजाने लगे. You mean सुरेंदर? हाँ बहन. बहन, जब फिल्म इतनी गंदी थी तो बनाई क्यों? मान गई बहन, मान गई. उमराव जान जैसी कल्ट फिल्म्स का रीमेक होना ही नहीं चाहिए. हमारी समझ में तो ये बात आ गई, मगर ये बात रामू को कौन समझाएगा? समझाएगा अपना बाका जवान. ओ, रोहित? नहीं अर्चना. बहन तुम समझाओगी? कवर करने के लिए कुछ नहीं बोलोगी? थैंक यू अर्चना. आई वॉन्ट टू टेक बोथ ऑफ यू होम, बट नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर परमीत. अर्चना जी, कवर करने के लिए कुछ नहीं बोलोगी? आई थिंक द एक्ट वॉज स्वीट बट नॉट वेरी फनी. Yet it was something very, very watchable and very delightful. Rohit. क्या अली? कर दूँ मैं अभी? नहीं भाई. No, it was a decent act. After a point, खाली मुझे लगा confrontation नहीं था दोनों में. You started agreeing on everything. That's what I felt. Otherwise, it was a decent act. Score के लिए तैयार?
9 points. 8 points. Thank you, sir. आज इस गुरुकुल में गुरु चेलों ने मिलकर अपने अपने हुनर दिखाए. अब परिणाम यानी एलिमिनेशन. जजेस स्कोर हमारे पास आ गए हैं और जब तक ऑडियंस से स्कोर टैली हो, हम बुलाते हैं एक ऐसे गुरु को जो किसी को किसी भी तरह का ज्ञान दे सकते हैं. प्लीज वेलकम मीठी और प्यारी बोली के मालिक शाना शकील. हाथ मत जोड़ो, पैसे जोड़ो. बड़ा गुलाबी ड्रेस पहना, रात भर तरबूज में सोती रही हो. आपने आज की हमारी सारी परफॉर्मेंसेस देखी शकील भाई? भाई मुझे हर लड़की भाई कह देती अर्चना जी. मुझे लगता है बैंक लूट के इनकी शादी यहाँ करानी पड़ेगी मुझे. मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगा. चलो ठीक है बहन बोलो. आपने जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो आप हमारे परफॉर्मेंस के बारे में क्या? सबों ने अच्छा किया है, सबों के लिए एक दफा बहुत सारी तालियां. लेकिन इस बच्ची को मैं प्यार करूंगा. ये क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं नज़र. एक नजराना होता है. ये टॉफी खाना मेरी तरफ से. बहुत अच्छा किया तुमने शकील. हाँ तो ये एक तरह से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है. माशाल्लाह ऐसा बच्चा दिल करता बड़ा ही ना हो. बाकी सब ने अच्छा किया माशाल्लाह. सुदेश ऐसा जलील है ये आदमी. शमशान घाट में मेरी तस्वीर बना के नीचे लिख के आ गया जल्द आ रहा है. और कृष्णा तो उससे ज़्यादा है. मुझसे कह रहा शकील भाई यहाँ रहोगे, शूटिंग तो 4 दिन होगी, 2 दिन होगी, कोई काम कर लो. मैंने कहा कोई नौकरी दिला दे यार, फालतू बैठा. वो कह रहा जूते की दुकान पे काम करो. मैंने कहा करना क्या? बोले कुछ नहीं, मस्जिद से उठा के जूते दुकान पे रखने. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शकील जी. और अब बारी है एलिमिनेशन की. स्कोर्स के मुताबिक हमारी दो बॉटम जोड़ियां हैं परेश भारती एंड राजीव सलोनी. आज के हमारे फाइनल स्कोर्स के हिसाब से परेश और भारती आपको मिले हैं 24 पॉइंट्स. राजीव सलोनी, ज्यूरी और ऑडियंसेस के स्कोर मिलाकर आपको मिलते हैं 24 पॉइंट्स. दैट मींस वी हैव अ टाई, देयर इज नो एलिमिनेशन. यू बोथ आर सेफ. आप प्लीज अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं. जोरदार तालियां परेश भारती और राजीव सलोनी. कॉमेडी सर्कस के 6 दमदार चैंपियंस. हर चैंपियन बनना चाहता है कॉमेडी सर्कस का सबसे बड़ा सुपरस्टार. और सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए हर चैंपियन आपको फुल ऑन हंसाएगा, नॉन स्टॉप हंसाएगा हर हफ्ते. ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.